भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के चांद नगर में मुगल इमारत में कल एक भयानक धमाका हुआ था और इस धमाके की वजह से इस मुगल इमारत में दरार पड़ गया था और 23 परिवार बेघर हो गए थे। फिलहाल के लिए कुछ परिवार पास में ही एक जिम है, उस जिम में शिफ्ट किया गया है और कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर चले गए हैं। जिस इमारत में ये ब्लास्ट हुआ था, बताया जा रहा है कि वो इमारत ऑडिट की गई और उसमें बताया जा रहा है कि ये रिपेयरिंग करके रहने योग्य है। विधायक जितेंद्र हवाड़ ने इमारत के रहवासियों से कल रात में मुलाकात की और उनसे बातचीत की कि आप लोग भी कुछ पैसों का इंतजाम करें और कुछ हमारी तरफ से भी पैसे लगाकर इस इमारत की रिपेयरिंग कर दिया जाएगा ताकि आप लोग इसमें रह सकें। मगर इमारत में रहने वालों की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। ऐसे में सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जितेंद्र भाट मुगल इमारत की रिपेयरिंग करवाएंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ था इसमें 3 लोग घायल हुए थे, इसमें एक बच्चा था जिसमें कांच लगने की वजह से काफ़ी गहरा जख्म था, उसे ऑपरेशन की ज़रूरत थी तो उसका ऑपरेशन भी करवा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इमारत में रहने वाले जो परिवार जिम में रह रहे हैं उनके खाने पीने का जो बंदोबस्त है वो भी जितेंद्र भाट के तरफ से किया जा रहा है और इमारत की रिपेयरिंग और जो ब्लास्ट हुआ है इस पूरे मामले को लेकर जो परिवार जिम में रह रहे हैं उनसे मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जितेंद्र भाट ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। सर, अभी आपने यहाँ पर आके जायजा भी लिया, काफी अच्छा लगा, लोगों से आप मिले, क्या बताएंगे आप, क्या होने वाला अभी इन लोगों का अकोमोडेशन मिला है? जो होगा अच्छा ही होगा। ओके। पर जब तक होता नहीं तब तक बताने में कोई मजा नहीं। ओके। आज मुझे न्यूज से ज्यादा उन लोगों का सब ठीक ठाक करना ये मेरे लिए जरूरतमंद है। मुझे कोई शाइनिंग नहीं करनी है, करूँगा वो करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, तो करेगा ऊपर वाला, मेरे हाथ से करवा के देगा। मुझे उनको जो कुछ दिन है, ये बिल्डिंग रिपेयर का भी मैंने कर दिया है, ये बिल्डिंग रिपेयर होने तक उनका कहीं इंतज़ाम करना है, उनको दो वक्त का खाना, दो वक्त का नाश्ता, दो वक्त का चाय देना है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। इन सब में कितना दिन जाएगा सर, इन सब में कितना दिन लग जाएगा? मेरे ख्याल से 20-25 दिन लगेगा। ओके सर, अभी यहाँ तक के ये ब्लास्ट के बारे में अगर बताया जाए तो कहीं पे भी ये आग नहीं लगी, आपको इसके बारे में क्या पता चला है? मैं कुछ नहीं बोलूँगा उसके बारे में, क्योंकि लोग खामोखा इसका पतंगड़ बना देते हैं। ये भंगार वालों के यहाँ ऐसे हादसे होते रहते हैं। ऐसे कुछ पदार्थ रहते हैं उनके पास, ऐसे कुछ केमिकल्स रहते हैं, वो कुछ भी उठा के लाते हैं, वो देते हैं अनपढ़। ओके। वो लाके सिर्फ भंगार जमा करते, लाके रख देते, किसकी रिएक्शन क्या हो सकती है उनको भी पता नहीं है बेचारों को। ओके। भंगार के धंधे में पैसा बहुत है। ओके। तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई वजह हो सकती है, पर लेकिन इस पे मैं नहीं बात कर सकता हूँ। मेरा इंसानियत का फर्ज इतना ही है कि जो बेचारे लोगों का घर का नुकसान हुआ है वो सब ठीक ठाक करके उनको घर वापस भेज देना, बाकी पुलिस और वो जो मालिक है वो दोनों जान लेंगे। लेकिन मैं एक मांग क्लियर करने वाला हूँ कि एरिया जो है जहाँ लोग बसे हुए हैं ऐसे एरिया में इसके बाद भंगार की दुकानें नहीं आनी चाहिए। जो एरिया पॉपुलिटी मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, भंगार में कभी भी कुछ भी आ सकता है। ओके। कितने बार ऐसा हुआ है कि भंगार में न फूटे हुए बम भी आए। ओके। दारू गोला है उसमें, कुछ भी हो सकता है।
तो ये ऐसी बड़ी लोकेलिटी में ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बाहर होना चाहिए। हमारा महापालिका तो कुछ देखती नहीं है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के एक्ट के मुताबिक वो कुछ कार्रवाई करती नहीं है। ओके, तो ये अनाज शहरों के बापी नहीं है। ओके, इनको एक्ट भी मालूम नहीं है। सिर्फ मुंब्रा में ही नहीं होता है सर, बात की बाहर सब 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 जगह पे देखो, महानगर पालिका के अधिकारी सिर्फ पैसा खाना जानते हैं। ओके, कहीं से भी। ओके, ऐसी ही दुकानें मुख्यमंत्री के वार्ड में है। ओके, और हर 6 महीने में एक भंगार के दुकान में आग लगती ही है। ओके, वो बेचारों का दोष नहीं, उनको जानकारी नहीं है। Okay, क्या केमिकल जमा करना चाहिए, क्या केमिकल नहीं रखना चाहिए। मालूम नहीं, पैसा मिलता है 2 रुपये का, 40 रुपया मिलेगा तो कुछ मिलेगा। थैंक यू सो मच।